हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चेहरे के ऊपर मोल्स को कैसे हटाना है। एक सिंपल तरीके बताऊंगी। आप देखे होंगे मेरे से काफ़ी सारे वीडियोस में मेरे चेहरे के ऊपर मोल्स थे और आजकल वो मोल्स जो है ज़्यादा अपीयर मतलब ज़्यादा दिख नहीं रही है। मैं थोड़े महीनों से एक स्किन केयर ट्रीटमेंट ले रही हूँ, उसकी वजह से मेरे मोल जो है चेहरे के ऊपर रिमूव हो चुकी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी उसी स्किन केयर ट्रीटमेंट बताऊंगी, आप घर बैठे बैठे उस ट्रीटमेंट को इस्तेमाल करके आपका चेहरे के ऊपर मोल्स स्किन टैग्स को हटा सकते हो। सो चलिए वीडियो को देखते हैं और वीडियो को आप लोग अच्छे रिजल्ट के लिए स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ डाउट है, कुछ कॉमेंट करना है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स है, आप उसमें कॉमेंट कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप खाने वाला बेकिंग सोडा लीजिए। यहाँ पे ऐड करना है 1 चम्मच बेकिंग सोडा, खाने वाले बेकिंग सोडा हो लेना है, क्योंकि ये अपना मोल्स को स्किन मोल चेहरे के ऊपर मोल्स को और स्किन के ऊपर टैग्स को छोटे मोटे दानों को हटाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा स्किन को अच्छी तरह एक्सफोलिएट भी करता है और मोल्स को भी रिमूव करता है। 1 चम्मच बेकिंग सोडा, खाने वाला बेकिंग सोडा लीजिए। इसके बाद इसमें हमें ऐड करना है 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, ऐड करके मिक्स करना है। याद रखिए इसमें पानी मत ऐड कीजिए, इसमें कैस्टर ऑयल ऐड करके फाइन पेस्ट जैसा इसको मिक्स करना चाहिए। इसका कंसिस्टेंसी क्रीम कंसिस्टेंसी जैसा होना है, इसमें वाटर बिल्कुल ऐड मत कीजिए, सिर्फ कैस्टर ऑयल ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स करना चाहिए। अब देख सकती हो एक क्रीम कंसिस्टेंसी इस तरह अच्छी तरह मिक्स करना है। अब ये मिक्सअप बन चुका है, इसको आप स्टोर भी कर सकते हो 1 से 2 दिन के लिए रेफ्रिजरेटर में। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑयल कंटेंट है और बेकिंग सोडा है, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अभी सर्दी का मौसम तो स्टार्ट हो चुकी सर्दी का मौसम चल रहा है तो आप फ्रिज में रखने का भी ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर में भी ये रहेगा। इसको हाथ से इस तरह लीजिए, जहाँ जहाँ आपका स्किन के ऊपर दाने हैं मोल्स हैं उस एरिया पे इसको अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए। इसके बाद स्किन को नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए। ऐसा आप दिन में 2 बार कीजिए, सुबह और रात को सोने के पहले साफ चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है। ऐसे करने से चाहे मेल फीमेल बच्चे कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं है। और थोड़े लोगों को बेकिंग सोडा सूट नहीं होता है तो आप इसको अप्लाई करने के पहले थोड़ा पैच टेस्ट कीजिए, क्योंकि थोड़ा लोगों का स्किन जो है बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होता है, थोड़ा लोगों को सूट होता है थोड़ा लोगों को सूट नहीं होता है। तो इसलिए पहले आप इस तरह टेस्ट पैच टेस्ट कीजिए। अगर आप स्किन पे किसी तरह आपको इचिंग इरिटेशन नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन 100% श्योर की इसकी वजह से कुछ भी नुकसान साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, इचिंग इरिटेशन बिल्कुल नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, ये है मोल्स को हटाने का तरीका। आप इस तरीके को हर दिन 1 महीने तक ट्राई कीजिए, आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा। इससे आप 1 या 2 दिन करके बिल्कुल मत छोड़िए, कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि कंटिन्यू करने से आपका स्किन का जो शेड है कलर है लाइटन होते रहेगा, आपका मोल का कलर लाइटन होते रहेगा, आपको इम्प्रूवमेंट दिखता है। सो अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो को रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स है कॉमेंट कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।